आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ताजे आम से झटपट में कुछ डेजर्ट बनाना हो तो ये रेसिपी आपको देख के ही मजा आ जाएगा, जिसे हम बनाएंगे बिना झंझट घर में रखे हुए सामानों से। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का आम अच्छे से वॉश करके लिए है, अब इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंगो डेजर्ट सुपर इजी विद ब्यूटीफुल कलर्स एकदम परफेक्ट रेसिपी है समर के लिए, तो जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब मैंगो के पल्प को एक चम्मच के मदद से निकाल लेंगे और इन्हें एक मिक्सिंग जार में डालकर स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने बहुत सारे मैंगो रेसिपीज शेयर किए हैं, आप मेरी चैनल की मैंगो रेसिपीज प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वो सारे रेसिपीज भी पसंद आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलती रहे। अब एक पैन या कढ़ाई में 1 से 2 टीस्पून घी गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप सेमिया या फिर वर्मिसेली। गैस का फ्लेम लो रखकर वर्मिसेली को रोस्ट करेंगे। यह मैंने अनरोस्टेड वर्मिसेली लिए है, आप चाहो तो रोस्टेड वर्मिसेली भी ले सकते हैं। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे। देखिए, वर्मिसेली अच्छे से रोस्ट हो चुका है। डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे काजू, किशमिश और आमंड बादाम डाले हैं, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इन्हें भी रोस्ट करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 लीटर मिल्क, डालेंगे कुछ केसर के धागे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे एक बॉयल आने तक पकाएंगे और इसे ऐसे लगातार चलाते रहना है, वरना ये पैन में चिपक सकता है। मैंने यहाँ पे केसर डाला है, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अगर इलायची पाउडर हो तो आप वो भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। डालेंगे 1/2 कप चीनी, मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए चीनी अच्छे से घुल चुका है और सेवैया भी अच्छे से पक चुका है। तो देखिए ये तैयार है। ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। कुछ ही देर में ये ठंडा हो जाएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसमें जो मैंगो प्यूरी तैयार किए थे उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाओ, कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है ना, कलर भी कितना परफेक्ट आया है। तो इसी के साथ हमारा मैंगो सेवैया रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। मैंने इसे कुछ चॉप्ड मैंगो पीसेस और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिए है। ये मैंगो रोज कैसा लग रहा है? आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर फ्रिज में ठंडा करके ठंडा ठंडा सर्व करें बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखा ना आप लोगों ने कितना आसान है इसको बनाना, जरूर इसे ट्राई करिएगा और आपका वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नए कुछ रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।